हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ तीज स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल। तीज सभी औरतों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। इस दिन सभी औरत अपने हस्बैंड के लिए बहुत सुंदर से सजना चाहती है। तो चलिए ये मेकअप स्टार्ट करती हूँ। और ये मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ही इजी है, बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत जल्दी होने वाला मेकअप है, क्योंकि पूजा के समय ज़्यादा टाइम नहीं रहता है मेकअप करने का। इसीलिए मैं बहुत ही जल्दी, एफोर्डेबल और इजी मेकअप आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज का मेकअप तीज स्पेशल ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी टोनर। टोनर लगाने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ ऑफ कैमरा। आप भी अच्छे से क्लीन करने के बाद ही टोनर लगाएं। टोनर ज़रूर लगाएं, इससे स्किन हाइड्रेट रहती है। इसके बाद है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाएं जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाए अच्छे से। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। मैं निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही लाइट वेट टेक्सचर है इसका, बहुत ही अच्छा है। ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, तो स्किन को प्रेप करना बिल्कुल भी स्किप मत करिए। इसके बाद ही आप मेकअप अप्लाई कीजिए, इससे मेकअप बेस बहुत ही अच्छा मिलता है। तो अब हम लगाएंगे प्राइमर। फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर ज़रूर लगाइए। मैं मियोन का प्राइमर लगा रही हूँ, आपको जो पसंद है आप वो प्राइमर लगाइए। मियोन का प्राइमर भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्राइमर ज़रूर लगाइए फाउंडेशन से पहले। प्राइमर हमारे ओपन पोर्स को फिल कर देता है और स्मूथ बेस देता है, जिससे कि फाउंडेशन ओपन पोर्स के अंदर नहीं जा पाता और हमारा मेकअप बहुत देर तक टिका रहता है, काला नहीं होता। अब मैं कंसीलर ले रही हूँ। स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर है। उसके साथ मैं कलर कैरेक्टर मिलाऊंगी। ये ऑरेंज कलर कैरेक्टर है। स्विस ब्यूटी के कंसीलर के साथ कलर कैरेक्टर को अच्छे से मिक्स करके मैं अपने ब्लैक स्पॉट पे, जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट है वहाँ लगाऊंगी। लिप के कॉर्नर पे लगाऊंगी जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है, और इसे मैं अपने फिंगर के हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी। तो जहाँ लिप के कॉर्नर के पास जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, दाग है, वहाँ पे मैं अपने फिंगर के हेल्प से ही इसे कवर करूँगी। इस कंसीलर और कलर कैरेक्टर को मिक्स करके लगाकर बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है। और जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे भी मैं डैप डैप करके लगाऊँगी अपने फिंगर के हेल्प से ही। तो बहुत अच्छे से ये पिगमेंटेशन और ब्लैक स्पॉट कवर कर देता है, पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है। आज जो मैं मेकअप कर रही हूँ वो बहुत ही इजी मेकअप है, जो सभी कोई क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी होने वाला बहुत क्लीन मेकअप है। कलर करेक्ट करने के बाद इसे पाउडर से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, उसके बाद ही फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। तो पाउडर से मैं इसे सेट कर ली हूँ। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। फाउंडेशन बहुत ही कम लगाऊंगी, क्योंकि ये पूजा का मेकअप है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मॉनसून का टाइम है, तो बहुत कम फाउंडेशन लगाने से बहुत ही अच्छा मेकअप आएगा। तो मैं बहुत ही कम फाउंडेशन ली हूँ और इसे ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड करूँगी। ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। आप फाउंडेशन किसी से भी ब्लेंड करें, लेकिन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो, जिससे बहुत ही फ्लॉलेस मिले मेकअप बेस। नहीं तो बहुत ही पैची लगने लगता है अच्छे से ब्लेंड नहीं होने पर फाउंडेशन। अब मैं अपने मेकअप बेस को कॉम्पैक्ट के हेल्प से सेट करूँगी। मैं स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है स्विस ब्यूटी का। अब मैं ब्रश से अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। मैं हमेशा मियोन के पेंसिल से अपने आईब्रो को फिल करती थी, लेकिन इस बार ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ और बहुत अच्छे से फिल हो रहा है। अब मैं आईशैडो पैलेट से ग्रीन कलर लूँगी, क्योंकि मेरी ब्लाउज़ है ग्रीन और साड़ी में भी ग्रीन कलर का बॉर्डर है। तो मैं पहले ग्रीन कलर से अपने आईलिड को फिल करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी दोनों आईज पे। दोनों आईज पे अच्छे से ब्लेंड करके ग्रीन कलर लगा ली हूँ। अब मेरे साड़ी का कलर है पिंक कलर, तो मैं पिंक कलर ग्रीन के ऊपर ही लगाऊंगी। मैं कंसीलर लगा के कट नहीं निकाली हूँ, इसीलिए पिंक कलर अच्छे से उभर कर नहीं आ रहा है ग्रीन के ऊपर, इसलिए मैं दूसरा आई शैडो पैलेट ली हूँ। हिलेरी का आई शैडो पैलेट है जिसमें पिंक कलर का ग्लिटर है, उसे ही मैं लगाई हूँ। अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, लैक्मी का आईलाइनर है। मैं विंग्स पहले निकाली हूँ, विंग्स के पीछे से थोड़ा सा लेकर आईलाइनर को आगे लगाऊंगी। इस बार मैं कुछ अलग लगाई हूँ लाइनर, बताइएगा आप कमेंट करके किस तरह लगा मेरा आईलाइनर। अच्छा लगा आप लोग को तो ज़रूर बताइएगा, मैं अलग से फिर एक वीडियो बनाऊंगी किस किस तरह से आईलाइनर को अप्लाई किया जा सकता है। तो ज़रूर आप बताएं मुझे कमेंट पे, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे लाइनर को अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो अब मैं काजल लगा रही हूँ, लाइनर को कॉर्नर से मिलाते हुए सिर्फ कॉर्नर पे, पूरे आईज पे मैं नहीं लगाऊंगी। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। ये ब्लू हेवन का मस्कारा है, बहुत ही अच्छा है और बजट फ्रेंडली है। मैं बहुत समय से इसे अप्लाई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लेंथ हो गया मेरा आई लेसेस का। अब मैं लोअर लेसेस में भी मस्कारा अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। दोनों लेसेस पे मैं अप्लाई कर ली हूँ मस्कारा। मेरा जो भी प्रोडक्ट है, मैं जो भी अप्लाई की हूँ, बिगनर फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, कोई भी महंगा प्रोडक्ट नहीं है। तो अब मैं एक रेड कलर का लिपस्टिक लगा रही हूँ, लेकिन मुझे ये रेड कलर का लिपस्टिक मेरे साड़ी के साथ बहुत अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं एक पिंक कलर का एलेटिन का लिपस्टिक लगा रही हूँ मैच करके दोनों को, रेड एंड पिंक को। तो बहुत सुंदर कलर आया है लिपस्टिक का, मेरे साड़ी के मैच का हुआ। अब मैं थोड़ा ब्लश लगा ली हूँ अपने चिक पे, अपने नोज़ पे, ज़्यादा ब्लश नहीं लगाई हूँ। अब मैं हेयर स्टाइल करूँगी। ओके, मैं लाइटर भूल गई थी, हाईलाइटर। ये स्विस ब्यूटी का है हाइलाइटर। आई होप ये मेकअप लुक आप लोग को अच्छा लगा हो। बहुत हल्का मेकअप की हूँ, पूजा के हिसाब से मुझे तो ये मेकअप सही लग रहा है। अब मैं हेयर स्टाइल करूँगी, अपने हेयर को खोल लूँगी और खोल के अच्छे से कॉम करूँगी। कॉम करने के बाद हेयर मिडिल से पार्टीशन करूँगी और मिडिल पार्टीशन करने के बाद साइड से थोड़ा सा हेयर लेके गोल गोल घुमाते हुए पफ करूँगी। पफ करके उसे एक टिकटॉक पिन से सिक्योर करूँगी, टिकटॉक पिन से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट साइड भी हल्का सा हेयर लूँगी और साइड से थोड़ा हेयर निकाल लूँगी और इसे भी गोल गोल घुमाते हुए पफ बनाऊंगी और पफ बना के इसे भी पीछे जाके टिकटॉक पिन से सिक्योर कर लूँगी। जब मुझे कोई हेयर स्टाइल समझ नहीं आता है तो मैं यही करती हूँ, और ये तो पूजा का मेकअप है। मिडिल में पार्टीशन करके सिंदूर भी लगाना है, तो इसलिए मैं आज ये हेयर स्टाइल आप लोग के साथ शेयर की हूँ। आप लोग को कैसा लगा ये हेयर स्टाइल? और पीछे में जूड़ा बना लेंगे, जैसा जूड़ा आपको आता है आप वैसा जूड़ा बना लीजिए और साइड से कुछ हेयर निकाल लीजिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में, जूड़ा के साथ साथ थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है। अब मैं जूड़ा में लगाऊंगी फूल। आपके पास जैसा फूल है, गजरा है, आप वैसा लगा लीजिए। मैं अपने साड़ी के कलर का मिलता हुआ फूल लगाई हूँ, देखिए कैसा लग रहा है ये जूड़ा, ये फूल साड़ी के कलर से मिलता हुआ है ना, कैसा लग रहा है बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है। चलो अब बिंदी लगा लेती हूँ, मैं हमेशा सिंपल बिंदी लगाती हूँ रेड कलर में। तो मैं अब इयररिंग्स में झुमका पहनूंगी। झुमका साड़ी के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा ट्रेडिशनल लुक देता है। अब मैं लगाऊंगी सिंदूर, पूरे मांग को भर के, बहुत ही सुंदर लगता है फेस जब सिंदूर लग जाता है। तो ये साड़ी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने मेरे फर्स्ट तीज पे दी थी, इसीलिए मुझे ये साड़ी पहन के वीडियो शूट करने का बहुत मन था, क्योंकि ये तीज स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल है, इसलिए मैं ये साड़ी पहनी हूँ। कैसा लग रहा है मेरा ये साड़ी? मैं मंगलसूत्र भी पहन ली हूँ। इस तरह मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। अब मैं अपने स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से इसे फिक्स करूँगी और चूड़ी पहनूँगी अपने साड़ी के मैचिंग का। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। बाय बाय।